कैसे हो रहे हैं यार? यार आरुष, मैं क्या कह रहा था यार, ऑफिस की छुट्टियां चल रही हैं तो क्यों ना कहीं घूम आते हैं और एक काम करते हैं, दक्ष और नैतिक को भी साथ ले चलते हैं। हाँ यार, बात तो तेरी सही है, घूम लिया जाएगा, थोड़ा थकान भी दूर हो जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। लेकिन उन दोनों को कैसे बोला जाएगा यार, वो दोनों यार, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ दक्ष तो मना करेगा नहीं, और नैतिक का पता नहीं। अरे यार, नैतिक नहीं जाएगा, हम लोग का मनोरंजन कैसे होगा? फोन करो। अच्छा रुक जा, मैं फोन करता हूँ। हेलो, हाँ दक्ष, हाँ तू एक काम कर, फटाफट नैतिक को लेकर के और आरुष के घर पे आ जा। अरे हाँ 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 हाँ, फटाफट जल्दी से आ जा। ठीक ठीक, क्या हुआ? आ रहे हैं दोनों। चलो सर। और भाई मानस, तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अबे साले, जल्दी बोल, कहीं तेरी ना डिलीवरी हो जाए। दक्ष दक्ष, मैं क्या कह रहा था? मुझे क्या पता तू क्या कह रहा है। बी सीरियस गाइस, मैं बोलता हूँ क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चला जाए, मूड भी फ्री हो जाएगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। हाँ यार, बात तो तू वैसे ठीक कह रहा है, और बॉस भी वैसे ऑफिस में छुट्टी तो देंगे नहीं। सही बात, सही बात। ठीक है भाई, मगर हम लोग चलेंगे ना। ठीक है, टाटा। अरे भाई, वो कुछ कहना चाह रहा, जा नहीं रहा है वो कुछ। अच्छा, मुझे लगा ही जा रहा है। मैं यही कह रहा था कि टाटा नगर चलते हैं। और वहाँ क्या है? मेरा घर है। अबे ये हकला पागल हो गया, मैं कहता हूँ शिमला चला जा, घूमने की माँ कसम एकदम गजब जगह है। नहीं यार, मैं तो कहता हूँ आगरा चलते हैं। अबे हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या, आगरा चला जाएगा? अबे चुप कर तुम लोग, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। मैं क्या कहता हूँ, चिट बनाते हैं, जहाँ का नाम आएगा वहाँ चला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए सही है। अबे मेरा शिमला तो रही गया यार। हाँ हाँ, रुक, लिखता हूँ। लिख ले शिमला। ठीक है, हाँ ठीक है। भाई फिर से एक बार गिरा जा रहा था। अबे अकेले तू चुप रहे, इस बार पक्का भाई कुछ नहीं देगा, और कर ना। रुक जा, मैं उठूंगा। हाँ ये कहाँ है? अबे गूगल मैप पे देख लेते हैं कहाँ है, क्यों भाई? हाँ भाई, मुझे पता है। वो कैसे, तुझे कैसे पता है? अक्सर न्यूज पे आए दिन वहाँ के किसी ना किसी मरने की खबर आती रहती है न्यूज पे, देखा है मैंने। और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर गांव के आसपास ही कहीं है।
भाई ऐसा मत बोल नैतिक की अभी से फटने लगेगी। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तो ठीक है चलो शाम को निकलते हैं, ठीक है लहरपुर चलो। ये चलो तब निकलते हैं भाई, चलो अपना अपना सामान पैक करो। यार कहाँ रह गया ये दक्ष, अभी तक आया नहीं, लेट हो रहा है। अरे सामान वगैरह रख रहा होगा। और भाई चला जाए? हाँ भाई चल चल चलते। यार रुक जा, सब कुछ रख लिया बैग में? हाँ सब रख लिया है, तेरा सिगरेट छोड़ के। यार तू सिगरेट से इतना चिढ़ता क्यों है? और वैसे भी मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तो जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूँगा। चल चल ठीक है रख लिया, रख ले पे रख लिया। किसकी सुनता है कर रहा था, चल साला किसकी सुनता है। चल बहुत जोर से सुसु आई। ये काम हकले ने अच्छा किया है, चलो मैं भी एक सिगरेट पी ही लेता हूँ। देखा इसको अपने सिगरेट की पड़ी होती है। चलो क्या बात है। अरे यार दबाएगा क्या, उतर जा। अबे मर जाएगा एक दिन, मर जाएगा साले। जाने दे उसकी भी नजीब ही कहाँ रहा है। अबे साले हकले गाली मत दे। क्या भूख लगी है? अबे उसे कुछ बोलने दोगे तुम लोग? भूत है, भूत कहाँ पे? भूत है वहाँ पे, भूत है। उतरा भूत का नशा, हकला साला। चल आ चल गाड़ी पे बैठ। अरे यार चल अबे चल, इसकी आदत नहीं जाएगी यार। मैं तो कहता हूँ भाई रुके हैं, सिगरेट पी ले। चल ठीक है पी ले, पी ले खा ले फिर चल। खत्म हुआ चल यार, इसका कम से कम खत्म हो गया। चल चल निकलते हैं। चलो अरे यार ये गाड़ी को क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है। हो गया तेरा, चढ़ गया क्या नशा तुझे? क्या हो रहा है? फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, घबरा मत। हो गया यार, एक काम करते हैं आज रात यहीं रुक जाते हैं। हाँ यार अच्छी जगह यार ये। चलो देखते हैं आसपास क्या पता कोई घर हो। चलो भाई 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 वो देख उधर एक रोशनी दिख रही है तेरे को। हाँ 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 सही बोल रहा है। चल देखते शायद वहाँ कोई रहता हो। हाँ चल 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 भाई चल चल भाई, गाड़ी खड़ी कर दे। चल चलो आप कौन हैं? अरे यार देख नहीं रहा, दादी हैं ये, पुराने जमाने की जो हॉरर मूवी बनती थी ना उसमें की लग रही हैं, अभी भी अपने कैरेक्टर में। ठीक है बच्चे चलो जाओ यहाँ से, चल जाओ सब मना गए। अरे ओ चाची हमारी छोड़ो, कहीं हमसे पहले तुम्हारा बुलावा ना आ जाए। चल चल चलते जाओ। अब आप ही आ गए हमें यहाँ रुकने से मना करने के लिए। अरे छोड़ना मानस यार, सब लोग मना कर रहे हैं यार, रुकने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है चल कहीं और चलते हैं ना। हाँ भाई चल जाए। अबे चुप हकले, तुम लोग अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे मत रुको, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी।
अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वैसे मैं किसी को भेज देता हूँ, जो भी ज़रूरत पड़े तुम लोग उससे मंगवा लेना। ठीक चलिए चल। साला बैठने का भी कहीं जगह नहीं है भाई, गोद में बैठा ले। अब बैठ जा, हट। अबे हट, अबे क्या यार, कर रहा है, ढंग से दबा यार, हट। ए तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? साहब मुझे मौलवी जी ने भेजा है आप सब लोगों के लिए। हाँ हाँ चल चल चल। नाम क्या है तेरा, नाम क्या है? मेरा नाम छोटू है। अच्छा छोटू ठीक है, भूख लगी यार, कुछ खाने का व्यवस्था कर दे। भूख हाँ, तो लगी है, जा कुछ लेके आ, भूख बहुत जोर की लगी है। जा भाई। ओहो अबे उठा ले यार, भूख तो लगा है, बहुत तगड़ा। अबे मुझे भी दोगे खाने के लिए? अबे सादा खाएगा, जेम उठा ले, जेम भी ले ले भाई, भूख बहुत जोर की लगी है। क्या बात है छोटू, बैठ छोटू बैठ, बढ़ जा। भूस प्लेट यार, इस जंगल में और जेम और ब्रेड मजा आ गया। अच्छा सिर्फ बीयर रखता और मजा आता। आले पिया कड़े जहाँ देखो एक ही बात है साला, इसने पिया था। अबे मोटू जेम का मजा क्या बात है। भाई भाई उसमें से लेना भाई 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 अल्फा छोटे एक बात बताओ, वो सब कोई हमें यार रुकने से रोक क्यों रहा है? और वो बूढ़ी दादी कौन है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता साहब, मुझे मौलवी जी ने बताया था ये घर उन बूढ़ी दादी का है। उनका एक लड़का रहा करता था, उसका नाम था अनिकेत। उसके दोस्तों ने ऐसा डराया वो मर गया साहब, मर गया। तभी से दादी ऐसी हो गई है। बताओ यार, बहुत बुरा हुआ बूढ़ी दादी के साथ। ये तो बात है, ये बात है। रात गुजारता है, सुबह वो जिंदा नहीं बसता है, वो मर जाता है साहब, वो मर जाता है। एक काम कर छोटू, ये पैसे ले, जा सिगरेट ले गया, चलो ना। क्या नाश्ता, मजा आ गया? मजा आ गया। साले हराम खोर घूंगे, मुंह में जबान नहीं है तेरे, पता है कलेजा मुंह को आ गया था, मुंह थोड़ा बड़ा होता तो कलेजा बाहर आ जाता, हराम खोर साला। सिगरेट लाया? ये जा भग 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 भग। कहाँ मुसीबत में फंस गया यार। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी
कहानी हमारी अधू। नतीक भाई, नतीक भाई उठो यार। नतीक भाई, भाई नतीक, क्या हुआ भाई, क्या हुआ यार, क्या हुआ यार? अबे नतीक अब नहीं रहा। क्या? अरे अरे मर गया नतीक भाई। भाई उठ यार, भाई। ए अकले उठ ना, बोल ना कुछ। अकले यार उठ, अकले उठ भाई। उठ नतीक भाई। भाई इससे पहले हम सब मरे, यहाँ से भाग चलो। सबने रोकने से मना किया था, भाग चलो यहाँ से भाई, भाग चलो। दक्ष चल, दक्ष चल। कैसा दोस्त है ये? हमारा दोस्त था। इसकी मौत का मतलब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। भाई तू बात नहीं समझ, वो साधारण आदमी नहीं है, वो आत्मा है भाई। वो आत्मा से कैसे लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा उससे, ठीक है? मैं, तुम लोग को अगर जाना है तो जाओ यहाँ से। मैं इसका मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगा, समझे? अरे यार भाई जैसा था अपना, मुझे माफ कर दे भाई। था यार ये अपना, मुझे माफ कर दे। मैं केवल अपने बारे में सोच रहा था भाई। इसकी मौत का बदला लिए हम सब नैतिक की मौत का बदला जरूर लेंगे। उस आत्मा को मैं मारूंगा, हम लोग मिल के मारेंगे, मिल के मारेंगे भाई। हम लोग नैतिक की मौत का बदला जरूर लेंगे भाई। हम उस आत्मा को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग। अब तो हमारी एक ही मदद कर सकते। कौन भाई? मौलवी जी। हाँ सही बोला तुमने, चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलो भाई, चलो भाई। आ गए तुम लोग? और वो चौथा कहाँ? इसलिए मैंने तुम लोगों को वहाँ जाने से पहले रोका था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। मौलवी जी हम लोग को माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए मौलवी जी, और प्लीज़ हमें उस आत्मा से लड़ने के लिए कुछ उपाय बताइए। प्लीज़ इतनी शिद्दत से आपके पास आए हैं, प्लीज़ कुछ उपाय बताइए। चले जाओ यहाँ से, अभी तुम लोगों के पास वक्त है, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। मौलवी जी उस आत्मा ने हमारे दोस्त को बहुत ही बेरहमी से मारा है, उसे यूं नहीं छोड़ सकता, किसी और मासूम की जान लेने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर आप कर सकते हो तो करिए, नहीं तो मैं उस आत्मा से खुद लड़ूंगा। या अल्लाह, तुम लोग इतनी आस लेकर के आए हो, मैं तुमको निराश नहीं करूँगा, पर अगर तुम लोग यहाँ से चले जाते तो तुम लोग जिंदगी के लिए बहुत अच्छा रहता। उसे मारे बिना हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। उसकी आत्मा जो है, उसकी आत्मा को जल की ज़रूरत है, क्योंकि वो चार तत्वों में विलीन हो चुका है,
और एक तत्व ही बचा है जो कि जल है। लेकिन हम लोग यहाँ नदी कहाँ ढूंढेंगे? अरे बच्चा, मेरे पास अल्लाह का इबादत किया हुआ, मेरे पास यही उसका एक तूड़ है, इसमें जल है, और इसको तुम उसके अस्थि कलश में डाल दोगे। अगर इसका एक बूंद भी उस तक पहुंच गया तो वह आत्मा मुक्त हो जाएगी और तुम लोगों की जान बच जाएगी। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं सही समय पहुंचाया तो तुम लोग जानो बहुत ज़्यादा खतरा है। कुछ भी हो जाए, हम लोग उस अस्थि कलश में ये जल डाल के रहेंगे। हाँ चलते हैं मौलवी जी हम लोग। ठीक है बेटा, अल्लाह आरुष, तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ, मैं इसको देखता हूँ, जाओ, मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कलश मिल गया। तुम लोगों को भी तुम्हारे दोस्त के पास जाना होगा। जाना तो तुझे पड़ेगा। इसका एक बूंद भी उस तक पहुंच गया तो वह आत्मा मुक्त हो जाएगी और तुम लोगों की जान बच जाएगी। भाई लोग, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। भैया लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हम लोग बहुत मेहनत से बनाए हैं। भैया लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। प्लीज़ लाइक।